हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। मैंने नहा लिया है और अभी झाड़ू लगा लिया है। इसके अलावा अभी कुछ नहीं किया है। बच्चे अभी सो रहे हैं, सो के उठने वाले हैं। मुकेश पता नहीं कहाँ चले गए। आज सुबह ही निकल गए थे, वॉक करने गए थे। वॉक के बाद नहा के और नहा के फिर पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे पता ही नहीं, बता के भी नहीं गए। मे बी शायद प्लॉट पे गए होंगे। और चलो अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते में मुझे बनाना है उत्पम। हाँ, उत्पम, या तो उत्पम बनाऊंगी या उपमा बनाऊंगी। शायद उत्पम बनाऊं, उत्पम का ज्यादा है क्योंकि रात बच्चे बोल रहे थे मम्मी उत्पम खाना है, तो उत्पम बनाऊंगी। और कुछ भी नहीं है। तो अभी चलो आज का व्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का दिन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। जैसा भी जाएगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह सुबह उपमा, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मुकेश को तो सबसे ज़्यादा। उनके लिए प्लेन ऑनियन वाला और मिर्ची वाला बनाऊंगी, बट बच्चे टमाटो और ये कैप्सिकम भी लेते हैं, तो उनके लिए पहले वो बना रही हूँ। और ठाकुर जी के लिए मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया है, वो मैंने बना के रख दिया है। उसमें सिर्फ मैंने टमाटो और ये कैप्सिकम लिया था। बच्चों में थोड़ी सी ग्रीन चिली भी ऐड की है और मुझे तो बहुत यम लग रहा है, पता नहीं कैसा बना होगा। और लंच के लिए मैंने यहाँ पे दाल चावल सब रेडी करके रख दिया है, आटा भी गूंथ के रख दिया है। आज मेरे को ना कहीं बाहर जाना है, शायद अभी कंफर्म नहीं है, बट शायद मैं जाऊँगी। बच्चों को पार्टी में जाना है तो मेरे को भी जाना पड़ेगा, तो इस वजह से फिर मैं लंच की भी तैयारी जल्दी कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें मेरी मैनेज हो जाएँ। तो चलिए हम बना, एंड दिस इज लुक्स यमी। एकदम से अच्छे से क्रिस्प हो गया है ये। अभी मैं इसको और भी थोड़ा सा क्रिस्प करूँगी। एक्चुअली मैंने टर्न इसलिए कर दिया, ये अगर मैं अभी रखती तो ये जल जाता, तो मुझे जलाना तो था नहीं ये, तो मैंने टर्न कर दिया। अब इस साइड से थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा और उसके बाद में जब इसको टर्न करूँगी ना तो ये थोड़ा और क्रिस्प हो जाएगा, जलेगा नहीं। तो बस अब मैं बना रही हूँ और मुकेश भी बाहर गए हुए थे, अभी आ गए हैं, बस उनको नाश्ता दूंगी। और मुझे तो सीरियसली देख के मुझे खुद अभी लग रहा है कि मैं अभी खा लूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मैं अपने बना लेती हूँ। बच्चे जा रहे हैं पार्टी में और हंगामा पूरा किया हुआ है। रॉक्सी उससे पहले तैयार है, मेरे को जाना है, तो इनको विदा कर देते हैं। वरना चेस तो लकड़ी वाला भी था पर मुझे नहीं ज्यादा अच्छा। ये किस चीज का है ये? मतलब मैग्नेट वाला है। हाँ, चलो जाओ अच्छे से, और मैनर्स के साथ रहना। हाँ, हाँ। ओके बेबी, मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए दोनों के। रक्षा तुम भी जा रहे हो दीदी शायद किससे? वो पहले जल्दी, इसने आज भी दूध भी नहीं पिया यार, क्या करूं। चिकन बताओ क्या दू? चिकन चिकन गंदी बात। वी आर ब्राह्मण्स, हम चिकन नहीं खाते। ये गई रॉक्सी, हाँ गाड़ी खोलो, ऐसे थोड़े ही ऐसे थोड़े ही गाड़ी खोलो। आओ ये देखो सारे, वो कहाँ है जिसको चोट लगी हुई है, वो नहीं दिख रहा आज। है दिख रहा है? रॉक्सी तू नहीं जा रहा बेटा, तू नहीं जा रहा, आ जा चलो हम नहीं जा रहे हैं। बच्चे नहीं आ रही है, रॉक्सी की बच्ची मुझे परेशान कर रही है। क्या है, क्या हो गया? दीदी भैया कहाँ है? हर्षो ना कहाँ है दीदी भैया? चले चलो, अच्छा चलो फिर, अरे बाप रे, चलो चलना है दीदी भैया पास, चलो चलो खोलो गेट, खोलो चलो 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 चलो। मुझे पता ही था। ये क्या है? लेजर। हाँ लेजर लाइट मिली है, वेरी गुड। रक्षो कहाँ गई? चलो 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 बाहर नहीं जाना। खाया और क्या खाया? आइसक्रीम खाई और लॉक कर देगा अभी डैडी, एकदम खोल देंगे। वेरी गुड, आज तो पार्टी होगी। और सुनो तो मैक्रोनी, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। दो टाइप के पिज्जा, तीन थे, फिर मैंने दो ही खाए।
अच्छा कैसी लग रही है, दिखा? मैंने जाते हुए नहीं दिखाया था, अच्छी लग रही है। कितनी प्यारी सी ड्रेस है, इसको ये पसंद नहीं है मुझे। क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया, क्या हो गया? चलो हटो पीछे, हटो, खुद हटेगी बेटा वो, हटो। क्या लाए हो मेरे लिए? ये क्या है? भुट्टा। इतना छोटू सा भुट्टा कहाँ से लाए हो? और भुट्टा ने खा लिया। अच्छा खा लिया, आ जाओ भुट्टा खाएंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर ले। रॉक्सी को अंदर छोड़ो। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ अंदर ही। सुनते नहीं हो तुम? नहीं हट, आगे नहीं खाना कोई अब। नहीं अंदर नहीं जाएगा कोई भी, यही रहेगा बस अकेला। बताऊंगी तुम्हें मैं एक बार। अब इसका पैर बहुत ठीक हो गया ना, नीचे रख रहा है, स्वेलिंग भी निकल गई इसकी। आगे नहीं खाना कोई तुम अंदर। इसको ना यहाँ कहीं चोट लगी है, गेट इस जगह देखो ऐसे ना बिल्कुल पूरा पैर उठा के दे देता है। अब इसको मैं मसाज करती हूँ ना, इसको अच्छा लगता होगा तो ये एकदम से पैर दे देता है। चलो तुम्हें नहीं करना। सारे आगे इनको भगाओ, ये फिर अंदर भी मारेंगे इसको, ये सब मारते हैं इसको। श्री राम जानकी रहते हाँ, मुझे नहीं पता। तो फाइनली आज का व्लॉग मेरा बस इतना ही था, और काफ़ी लेट हो गया है। बच्चे आज पार्टी में गए थे, पार्टी से लौट के आए तो मैंने डिनर वगैरह बनाया था, तो कहते हैं मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। और उसके बाद जब सारा काम हो गया तो फिर अप्रोक्स टाइम रहा होगा 12 बजे के आसपास का, कहते हैं भूख लगी, 11:30-12 बजे का टाइम था, कहते हैं भूख लगी है। तो फिर मैंने उनके लिए फिर वापस से खाना बनाया। मैंने उनको कई बार पूछा था कि खाना है, कहते हैं नहीं। तो मैंने जो इनके लिए भी बनाया था खाना वो भी डॉग्स को दे दिया। डॉग्स को तो जो बाहर डॉग है उनको तो कितना भी दे दो उनका पेट नहीं भरता, तो वो बच्चों का जो खाना था वो भी मैंने उनको दे दिया कि अब तो खाएंगे नहीं, सोने का टाइम हो गया है, बस दूध पियेंगे। लेकिन ये लोग एकदम से जिद करने लगे। मम्मी का फोन आ रहा था, मम्मी कहती है बोल इनको ये खुद बनाए खाना। मैंने कहा नहीं नहीं मैं बना देती हूँ, और मम्मी तो मस्ती कर रही थी। तो इनको खाना पीना खिलाया, और जो मेरा पप्पी है ना जिसको चोट लगी थी आज, वो काफ़ी ठीक है, काफ़ी। मैं उसकी ना लेग को मसाज करती हूँ तो उसको अच्छा लग रहा है। शायद परसों तो उसमें बहुत स्वेलिंग थी, अब स्वेलिंग भी बहुत बहुत कम हो गई है, बिल्कुल ना के बराबर है। और आज उसने थोड़ा सा खाना खुद से खाया है, बट उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है ना, उसके जो बाकी के बहन भाई हैं उसको बार बार मार रहे हैं। और जैसे मैं उसको अंदर ले लेती हूँ तो वो 1-2 घंटे तो रहता है, बट फिर एकदम से काऊ काऊ करने लगता है। शायद वो मिस करता है अपने बहन भाइयों को या माँ को, तो मैं उसको फिर बाहर छोड़ती हूँ, और बाहर फिर अंदर ज़ोर ज़ोर से उसके रोने की आवाज़ें आने लगती है, फिर मैं भाग के जाती हूँ, फिर उसको लेके आती हूँ। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट क्या कर सकते हैं। अभी रात को भी उसको बाहर ही छोड़ा है। मैं लेके आ गई थी 12 बजे के करीब अंदर, खाना पीना खा के बच्चों को लेके जब आई थी अंदर, लेकिन उसको तो शायद जाना ही था बाहर, तो वो चिल्लाने लगा, फिर उसको बाहर छोड़ा और तब मैं अंदर आई। सॉरी अंदर नहीं आई, हाँ मैं अंदर आई, और थोड़ी देर में उसकी की की आवाज़ आने लगी। बट मैंने उसको ढूंढा, वो दिखा नहीं, शायद अंधेरे में कहीं छुप रहा होगा या अपनी माँ के आसपास होगा। तो बट ठीक है, हाँ वो काफ़ी ठीक है। आज खाना खाया ना तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ वो ठीक है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और कल मिलती हूँ आपको एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और मेरा व्लॉग ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।